तो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम ऐश के सारे एस पोकेमोन को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू दी बेस्ट। और एस पोकेमोन ऐश के किसी रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को कहा जाता है, जैसे कि चारिज़ार्ड, हेराक्रॉस, सैप्टाइल, इन्फर्नेप, क्रोकोडाइल, ग्रीनिंजा, लाइकनरॉक और लुकारियो। और आज हम इन सारे पोकेमोन को रैंक करेंगे, तो हाँ वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले ये पूरी रैंकिंग मेरे ओपिनियन पे होने वाली है, और अगर आपका पोकेमोन नीचे आता है तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 8 के साथ, यानी कि ऐश के वर्स्ट एस पोकेमोन के साथ। तो वो होगा मेरे ओपिनियन में हेराक्रॉस। तो हेराक्रॉस ऐश का जोटो रीजन का एस पोकेमोन था, जिसको ऐश ने सैपी एंडिंग नाम के एपिसोड में कैच किया था। और हेराक्रॉस फर्स्ट पोकेमोन था जिसको ऐश ने जोटो रीजन में कैच किया था। अब हेराक्रॉस ने काफी सारी ऑसम बैटल्स करी है, जिनमें से काफी सारी बैटल्स वो जीता भी है, जैसे कि ऐश वर्सेस गैरी में डिसएडवांटेज होने के बाद भी उसने मैगमार का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट मूव को सह लिया था, और फिर आगे मेगाहॉर्न अटैक कर के हेराक्रॉस मैगमार को हरा भी देता है। और हेराक्रॉस ने शिंगो के सीजर को भी हराया था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जोटो लीग में ऐश के हेराक्रॉस ने ज्यादा बैटल्स नहीं की थी, बट हेराक्रॉस को ऐश वापस बुलाता है सिनो लीग में, जहाँ पे ऐश के हेराक्रॉस की बैटल लैंडो के क्रिकेटियन के साथ होती है। और लास्ट में हेराक्रॉस मेगाहॉर्न अटैक का यूज करके क्रिकेटियन को हरा भी देता है। और ऐश के हेराक्रॉस ने टोबियास के डार्करे को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी, जो कि एक मिथिकल पोकेमोन है। और हेराक्रॉस को काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी आते हैं, जैसे कि मेगाहॉर्न, फोकस पंच, हाइपर बीम या फिर स्लीप टॉक। तो हाँ हेराक्रॉस काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाकी सारे पोकेमोन से आगे जा पाए। और नंबर 7 ऐश का यूनोवा एस, यानी कि क्रोकोडाइल। तो यूनोवा में ऐश के पास काफी सारे पोकेमोन थे, बट जो उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन था ऐश का, वो था क्रोकोडाइल। ऐश अपने क्रोकोडाइल को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दे पाया था, बट वो अपने आप काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था। ऐश के क्रोकोडाइल ने देन देयर वेयर 3 नाम के एपिसोड में आयरिश के ड्रैगनाइट को डिफीट किया था, जिसको इससे पहले कोई भी डिफीट नहीं कर पाया था, और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी था। बैटल के एंड में क्रोकोडाइल डिग अटैक का यूज करके ड्रैगनाइट के ड्रैगन रश को डॉच कर लेता है, और फिर वो स्टोन एज का करके ड्रैगनाइट को इजीली डिफीट कर देता है। और जब यूनोवा लीग में ऐश टीफान के साथ बैटल करता है, तो ऐश का सबसे पहला पोकेमोन क्रोकोडाइल होता है, जहां पे सबसे पहले क्रोकोडाइल टीफान के लाइपर्ट को हरा देता है, एंड फिर टीफान के मेन पोकेमोन यानी कि सॉक को भी हरा देता है। और इसी के साथ ऐश इस बैटल को जीत जाता है और टीफान टूर्नामेंट से बाहर निकल जाता है। और ऐश के क्रोकोडाइल के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी हैं, जैसे कि डिग, बाइट, स्टोन एज, क्रंच, ड्रैगन क्लॉ और एरियल एस। और क्रोकोडाइल ने ऐश को काफी सारे क्रूशियल बैटल्स भी जिताई है। और नंबर 6 पे आता है ऐश का लाइकनरॉक। तो अलोला में ऐश ने और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन पकड़े थे, जैसे कि मेलमेटल या फिर नागानाडेल, बट फैंस के अकॉर्डिंग ऐश का लाइकनरॉक उसका मेन पोकेमोन था, क्योंकि लाइकनरॉक ने ही ऐश को चैंपियन बनाया था। और अलोला में बैटल्स पे उतना फोकस नहीं किया गया था, बट फिर भी लाइकनरॉक ने काफी सारी बैटल्स की थी। और गाइडिंग एंड अवेकनिंग नाम के एपिसोड में लाइकनरॉक ने नैनू के तीनों पोकेमोन को डिफीट कर दिया था, और इससे पता चलता है कि लाइकनरॉक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। बट ऐश का लाइकनरॉक हमेशा ग्लेडियन के लाइकनरॉक के सामने वीक पड़ता था, पर अलोला लीग के फाइनल में वो ग्लेडियन के लाइकनरॉक को डिफीट कर देता है, जो कि एक परफेक्ट रिवेंज था, एंड इसी के साथ ऐश चैंपियन भी बन जाता है। और लाइकनरॉक के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है, जैसे कि टैकल, बाइट, रॉक थ्रो, एसएल रॉक, स्टोन एज और काउंटर। और नंबर 5 ऐश का सैप्टाइल। तो ऐश का सैप्टाइल ऐश का होइन रीजन का एस पोकेमोन था, जिसने डार्करे को डिफीट किया था टोबियास के, जो कि एक मिथिकल पोकेमोन है, एंड उसको आज तक कोई भी नहीं डिफीट कर पाया था। और ये ऐश के सैप्टाइल की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज में से एक है, जहाँ पे टोबियास के डार्करे को आइस टाइप अटैक्स भी आते थे, जो कि सैप्टाइल पे सुपर इफेक्टिव है। और ऐश के सैप्टाइल ने मेगा ब्लेजिकन के साथ टाई भी किया था, जिसके सामने उसको डिसएडवांटेज थी। और ऐश का सैप्टाइल जब ग्रोवाइल के फॉर्म में था, तो उसने नॉर्मन के मेन पोकेमोन यानी कि स्लेकिंग को डिफीट किया था, जिसके बाद ऐश को बैलेंस बैज मिलता है। तो हाँ सैप्टाइल ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को डिफीट किया है। और ऐश के सैप्टाइल के अटैक्स की बात करें, तो वो थे पाउंड, क्विक अटैक, बुलेट सीड, लीफ ब्लेड, सोलार बीम, एजिलिटी और लीफ स्टॉर्म। और सैप्टाइल ने कुछ ही पोकेमोन को डिफीट किया है, बट आगे आने वाले पोकेमोन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और नंबर फोर की बात करें तो नंबर फोर पे आता है ऐश का लुकारियो। तो लुकारियो ऐश का पोकेमॉन जर्नीस का या फिर हम कहें गला रीजन का एस पोकेमॉन है और लुकारियो ऐश का सबसे पहला मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन है। तो हाँ ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है बट ये नंबर फोर पे इसलिए है क्योंकि अभी पोकेमॉन जर्नी सीरीज एंड नहीं हुई है और डेफिनेटली जब पोकेमॉन जर्नी सीरीज एंड होगी तो ये नंबर वन या फिर नंबर टू पे आ जाएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश के लुकारियो के पास अपना स्पेशल ऑरा स्फीयर है जो कि किसी भी लुकारियो के ऑरा स्फीयर से ज्यादा बड़ा है और मेगा इवॉल्व होने के बाद लुकारियो ने बी के जिगेंटामैक्स मचैम्प को भी डिफीट किया है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और लुकारियो ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑरा स्फीयर का यूज करके चायमैन रोज के दोनों पोकेमॉन यानी कि कॉपर राजा और फेराथॉन को डिफीट कर दिया था। और फिर ऐश वर्सेस वॉकनर बैटल में लुकारियो ने रोटम को हराने के बाद लग्जरे के साथ टाई भी किया था। तो हाँ मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए लुकारियो नंबर फोर पे डिजर्व करता है। और नंबर थ्री ऐश का सिनो एस यानी कि इन्फर्नेप जो कि एक फाइटिंग और फायर टाइप का पोकेमॉन है। वेल ग्रीनिंजा इन्फर्नेप और चारिज़ार्ड ये तीनों पोकेमॉन इक्वली पावरफुल हैं और इनमें से किस पोकेमॉन को कौन से नंबर पे रखना ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बट मैं रखूंगा इन्फर्नेप को नंबर थ्री पे। तो इन्फर्नेप चिमचार के फॉर्म में बहुत ज्यादा वीक था बट जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और पॉल ने चिमचार को वीक समझ के रिलीज किया था बट ऐश वर्सेस पॉल बैटल में इन्फर्नेप ने अपने आप को प्रूव कर दिया जहां पे उसने पॉल की टीम यानी कि एग्रॉन निंजास को इलेक्टिवायर को हरा दिया था और इन्फर्नेप की एबिलिटी है ब्लेज जिसमें जाने के बाद अभी तक कोई भी पोकेमॉन उसको डिफीट नहीं कर पाया है और इनफैक्ट इवॉल्व होने के बाद इन्फर्नेप अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा है जो कि फ्लिंट के इन्फर्नेप के सामने थी। तो हाँ ये सच में काफी स्ट्रांग है बट ग्रीनिंजा और चार्जार्ड ने इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन से बैटल की है और इन्फर्नेप के अटैक से फ्लेम व्हील एम्बर स्क्रैच डिग फायर स्पिन फ्लेम थ्रोअर मार्क पंच और फ्लायर ब्लेड्स। और नंबर टू की बात करें तो नंबर टू पे आता है चारिज़ार्ड। तो ऐश के चारिज़ार्ड के पास कोई एबिलिटी नहीं है और ना ही वो मेगा इवॉल्व हो सकता है बट फिर भी बिना किसी पावर अप के उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट किया है और चारिज़ार्ड सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया हो एंड वो था नोलैंड का आर्टिकुनो। और जैसे इन्फर्नेप ने पॉल की आधे टीम को हराया था उसी तरीके से चारिज़ार्ड ने भी गैरी की आधे टीम को हराया था जहां पे उसने सीज़र गोलम और ब्लास्टोइस को हराया था जिनमें से दो पोकेमॉन के खिलाफ उसको डिसएडवांटेज था। और यूनोवा में ऐश के चारिज़ार्ड ने ऑलमोस्ट आयरिस के ड्रैगनाइट को डिफीट कर दिया था। तो हाँ चारिज़ार्ड ने इन्फर्नेप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट किया है इसीलिए वो नंबर टू पे डिजर्व करता है। और फाइनली नंबर वन ऐश का ग्रीनिंजा। तो नंबर वन पे चार्जार्ड भी आ सकता था बट ग्रीनिंजा के पास बॉन्ड फेनोमेनन है जिस वजह से वो नंबर वन पे आया है और अगर इन दोनों पोकेमॉन की फाइट बेस फॉर्म में होती है तो डेफिनेटली चार्जार्ड जीत जाएगा। तो हाँ अगर हम फॉर्म्स को इंक्लूड ना करें तो चार्जार्ड नंबर वन पे आएगा और अगर हम फॉर्म्स को इंक्लूड करें तो ग्रीनिंजा नंबर वन पे आएगा। और हाँ ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपको इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तो बस ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।